बिजनेस क्लास वो आगे रह गई, मैंने टिकट ली है इकोनॉमी क्लास की और ट्रेन के डब्बे के ऊपर ली। दोनों बैग पैक हो चुके हैं, ये वाला भी। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं दमाम से ट्रैवल करने वाला हूँ रियाद की तरफ। टैक्सी को बुलाता हूँ और टैक्सी पकड़ के मैं पहुँच जाऊँगा दमाम के रेलवे स्टेशन पर। जो टिकट थी वो कल रात को ही मैंने बुक कर ली थी, उस टिकट के लिए मैंने पे किए हैं 105 सऊदी रियाल्स। ये पीछे खोल देगा क्या? नो प्रॉब्लम। कितने बजे ट्रेन है? ट्रेन मेरे को याद नहीं है, शायद 12 बजे के आसपास है, 11:30 के आसपास। रेलवे स्टेशन है कि नहीं जी? 3 साथ सवाल रो रो माफी मुश्किल अजबर अजबर। कितना देना इनको? माफी मुश्किल टाइम आधा इंजेक्शन माफी मुश्किल टाइम। आप बता दीजिए उतने दे दूंगा फिर। आप भी जा रहे हो रेलवे स्टेशन पे? तो मुझे रेलवे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी मिल गई है, होटल के बाहर ही टैक्सी थी, तो अपने होटल में कश्मीरी भाई थे, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। भाई जान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, अशरफ भाई के साथ बैठ के मैं अभी दमाम का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तो पहुँच गया हूँ मैं। ट्रेन का टाइम है 12:15 और अभी टाइम हो रखा है, अभी तो 11:00 है। चलो अब अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे जाके कुछ देखूँगा, टिकट विकेट का प्रिंट आउट निकलवाऊँगा। रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर हो गया हूँ और जो मेरी डिजिटल टिकट थी उसी से ही काम बन गया। मैंने टिकट दिखाई, टिकट थी, उन्होंने टिकट को स्कैन किया, बस इतना ही प्रोसेस था, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। मैंने क्या कहा था, टिकट कल रात को ही बुक कर ली थी, कोई आईडी नहीं बनानी पड़ती अगर आपको सऊदी में ट्रेन टिकट बुक करनी है, बड़ा ईजी प्रोसेस था। अब जो नेक्स्ट टिकट होंगी उनका मुझे आइडिया नहीं है कि आगे जो मैं फास्ट ट्रेन लेने वाला हूँ उनकी टिकट भी ऐसे ही बुक हो जाएंगी, लेकिन इन टिकट्स के लिए मुझे कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं चाहिए थी। ट्रेन 12:18 पे निकलेगी दमाम से और लगभग 4:15 पर पहुंचेगी रियाद। ट्रेन के अंदर मेरे लिए दो क्लासेस हैं, एक है बिजनेस क्लास और एक है इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास की मैं टिकट ले रहा था लेकिन कल मुझे मिली नहीं, एक टिकट खाली थी बस इस ट्रेन में और वो भी इकोनॉमी क्लास में, तो मैंने फिर वही टिकट ले ली। ट्रेन नंबर है 7 और शायद कोच नंबर है D और टिकट नंबर है 44, सीट नंबर है 44। ये D है भाई। अरे यहाँ पे ट्रॉली आप लेके आ सकते हो। शायद अपनी इंडियन रेलवेज में अभी ट्रॉली देना स्टार्ट नहीं किया है लेकिन बाकी दुनिया की शायद कई ट्रेनों के अंदर आपको ट्रॉली मिल जाएंगी। मैंने टिकट ली है इकोनॉमी क्लास की और ट्रेन के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 2nd क्लास। ये देखिए आप, 2nd क्लास D। कम से कम 3 या 4 स्टॉपेज होने वाली हैं इस ट्रेन। 44 ये है भाई मेरी विंडो सीट, मेरी सीट का नंबर है 44D विंडो। अरब कंट्रीज़ में शायद जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रेन्स हैं, सबसे अच्छा रेलवे नेटवर्क सऊदी अरेबिया का ही है और उसमें भी पैसेंजर्स के लिए सारे रूट अभी ओपन नहीं हुए हैं। मेनली जो गुड्स की मूवमेंट है, जैसे ऑयल की मूवमेंट हो गई या फिर बाकी गुड्स की मूवमेंट, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, लेकिन शायद धीरे धीरे सऊदी अरेबिया भी जो पैसेंजर मूवमेंट्स है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और इस ट्रेन के अंदर जो कोचेज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो मोस्टली आजकल आपको हर ट्रेन में मिलेगा। जैसी ट्रेन चलेगी सारी डोर्स लॉक्ड हो जाएंगी, इससे डोर बंद होगी, इससे डोर ओपन होगी। इस ट्रेन के अंदर एक कैंटीन भी है। ट्रेन के अंदर डब्बे होंगे टोटल, इस ट्रेन के अंदर 6 कोच है, 6 नहीं 5 मान लीजिए क्योंकि आधा आगे और आधा पीछे, वो तो इंजन ही हो गए। What's your name? Rayan. Rayan. Yeah. Saudi? Yeah. Hello. Where from? India. India? Yeah. Good. Yeah, thank you. ट्रेन चलेगी 12:18 पर और अभी टाइम हुआ है 11:44, तो अभी भी
40 मिनट हैं ट्रेन को चलने में, लेकिन अभी मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं करने को, तो बस सीट के ऊपर बैठा हूँ। और जो मेरे साथ वाली सीट के जो यात्री हैं वो भी आ चुके हैं। विंडो सीट का एक फ़ायदा है तो साथ ही साथ नुकसान भी है। अगर आपको निकलना पड़ेगा तो आपको जो साथ वाले यात्री हैं उनको उठाना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा पंगा हो जाता है कई बार। और सऊदी रेलवेज़ के अंदर मुझे एक बात और अलग लगी, जैसे अपने इंडियन रेलवेज़ में तो क्या होता है कि जो आपकी टिकट होती है वो अंदर जाके चेक होती है, लेकिन सऊदी रेलवेज़ के अंदर प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले आपकी टिकट चेक कर लेते हैं। एक क्यूआर कोड होगा, वो क्यूआर कोड चेक उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद एंट्री होगी, फिर सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक के बाद आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एंट्री होगी। और अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, जैसे अपने इंडिया में तो हम वो कूली हायर करते हैं, लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं है। सऊदी रेलवेज़ ने ही कुछ एक्स्ट्रा बंदे हायर किए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ट्रेन एकदम एग्जैक्ट टाइम पर डिपार्ट किया और 12:18 पर ट्रेन दमाम से निकल चुकी है। نرجو من حضراتكم البقاء في مقاعدكم لحين توقف القطار تماما. جو سیٹ کے سامنے ٹرولی ہوتی ہے نا اس کے اندر کافی جگہ ہے یار، یہ دیکھیے میں آپ کو ٹرولی بند کر کے دکھاتا ہوں۔ ये ट्रॉली ओपन होने के बाद और ईजिली अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ पे आप लैपटॉप रख के काम कर सकते हो। ट्रेन को चले हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, जिनमें से 20 से 25 मिनट तो मैं सो ही रहा था, फिर एकदम नींद खुली हो रही है। मेरे को तो रास्ते में रेगिस्तान देखना था, डेजर्ट देखना था। और ये है ट्रेन के अंदर का वॉशरूम, फ्लश जो वॉशरूम है ये काफी साफ है यार। मैं अभी तक सोच में पड़ा हुआ था कि यार ये किस काम का है ये वाला जो बटन है, और जब मैंने इस बटन को दबाया तो कमाल हो गया। इस बटन से ये जेट आता है। इनोवेशन। बहुत देर से मेरा कुछ खाने और पीने का मन हो रहा था, तो अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ भाई साहब के पास। कैन आई हैव अ कॉफी? आई हैव जस्ट कैपेचिनो। कैपेचिनो, या गिव मी वन कैपेचिनो। एंड यू हैव समथिंग टू ईट? जो ट्रेन का रेस्टोरेंट है उसके अंदर आ गया हूँ और यहाँ से मैं कुछ खाने पीने के लिए ख़रीद रहा हूँ। एक मैंने एक किटकैट ली है और एक कैपेचिनो। जब मैं सऊदी अरब के अंदर हिच हाइकिंग विचाइकिंग करूँगा तो नेक्स्ट लेवल मज़े आने वाले हैं, ये बात तो दिखने लग गई है मेरे को, क्योंकि बाहर दूर दूर तक लोग दिखते नहीं हैं, लोग कंसेंट्रेटेड जगह पे रहते हैं। तो मोस्टली जगह जब आप सऊदी में विजिट करोगे जो थोड़ी एक्सट्रीम वाइल्ड होंगी, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रेत ही रेत, और उस रेत के साथ जो एक्सट्रीम एडवेंचर हैं वो और नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो मज़े आने वाले हैं सऊदी ट्रिप में। और अब मैं एक बार जो मेरी कॉफ़ी है उसके मज़े लेता हूँ। तो अभी ट्रेन ट्रैवल कर रही है 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो मेरे आप पीछे देख रहे हो ये है इस ट्रेन का रेस्टोरेंट वाला कोच। अभी तक मैंने सऊदी से रिलेटेड कोई भी ट्रैवल व्लॉग नहीं देखा है। सऊदी के अंदर जितने भी मेरे स्टीरियोटाइप हैं उन सभी को साथ लेके आया हूँ मैं कोई भी स्टीरियोटाइप अभी तक मैंने ब्रेक नहीं किया है। जो आप लोग सऊदी के बारे में सोचते हो सेम चीज़ें ही मैं सऊदी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जस्ट अभी 10 मिनट पहले मेरा एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया है। मैं चाय पी रहा था, फेलो फीमेल पैसेंजर मेरे पास आके, मैं बस बाहर सैंडून्स को देख रहा था और वो मेरे से आके पूछती कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन सऊदी? मैं बोलता हाँ। और मैं यार ये चीज़ मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं की थी, मेरे भी वही पुराने स्टीरियोटाइप थे सऊदी को लेकर कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरा पहला स्टीरियोटाइप ब्रेक हो चुका है कि सऊदी में वीमेन के साथ ओपनली बात कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं। ये मैंने सोच के रखा था कि यार कहीं ऐसा करूँगा तो प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। हम पूरे रेस्टोरेंट, जो ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट था जो आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, उस रेस्टोरेंट के अंदर हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, लगभग 15 से 20 मिनट तक हमने बातें की और एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो मैं भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे अपने स्टीरियोटाइप ब्रेक करूंगा, और आप भी मेरे इस जर्नी के दौरान आप भी अपने जो पुराने स्टीरियोटाइप हैं सऊदी को लेकर वो ब्रेक कर सकते हो। विल टर्मिनेट ऑल पैसेंजर्स
should get ready to leave the train. Dear travelers, this train will arrive shortly in Riyadh. पहुंच चुका हूं रियाद के रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी मुझे लग रही थी, लेकिन जो जर्नी थी वो काफ़ी सही थी। ट्रेन ने जो अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव की थी दैट वाज 160 किलोमीटर पर आवर, और अब यहां से मैं एक बार जो स्टेशन का मेन एरिया है वहां जाकर थोड़ी ट्रेन की ना थोड़े जो मेरे होटल बुकिंग्स वो करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी होटल वोटल बुक नहीं किया है और होटल को ढूंढने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, देखते हैं यार। सो वेलकम टू द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ट्रेन में जो सबसे आगे और जो सबसे पीछे वाला कोच था वो है फर्स्ट क्लास और बीच में है इकोनॉमिक क्लास। यहाँ स्टेशन के बाहर जैसे अपने इंडिया में रेलवे स्टेशन पर नहीं होता है टैक्सी टैक्सी टैक्सी, वही माहौल हो रखा है। होटल मैंने बुक किया है वो यहाँ से है 4.6 किलोमीटर, 800 रुपये 4 किलोमीटर के लिए, ये तो कुछ ज़्यादा है यार। मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से टैक्सी पकड़ के जाता हूँ। अरे कहाँ रह गए। सऊदी के अंदर एक बात और देखी है मैंने, ये सीन ईरान में भी था। यहाँ पर रैंडम लोग जिनके पास ना तो लाइसेंस है कुछ भी नहीं है वो भी अपनी गाड़ी को एज ए टैक्सी यूज़ करते हैं, ये सीन ईरान में भी था। टैक्सी, थैंक यू थैंक यू शुक्रन टैक्सी अथवर रहम केचिन टैक्सी मीतर यस मीतर यस यस मीतर यस क्या बोल रहे हो। इंडिया इंडियन यस गोइंग टू 100? 70 कोई 70? No, 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 baby, no, no, no. Come, babe, come. 20-30 real. No. Stop, no problem. Khalas. 60. No, baby. 50. No, baby, no, baby, no. Habibi, stop. Le. Stop. 50. Habibi, stop. 50. No, stop. 50. No, 50, habibi. Come, babe, come. अरे भाई साहब, ये बंदा एकदम गिड़गिड़ाने लग गया है। इससे ज़्यादा तो मैं ऊपर में ही चला जाता, लेकिन कोई नहीं, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस भी हो गया। आपने सुना होगा एकदम कैसे पागलों की तरह करने लग गया था। कहीं अलग ही जगह ना लेके चला जाए भाई। पहले इस भाई ने 100 से स्टार्ट किया, 100 के बाद बोलता नहीं भाई मैं इतने नहीं दे पाऊंगा, 100 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे 10-10 रियाल कम करते करते मैं बोला मैं 30 से ज़्यादा नहीं दूंगा, फिर बाद में बोलता नहीं अभी भी 40 से नीचे नहीं आ रहा अभी है। ठीक है अब कोई नहीं यार, लेकिन बंदा तगड़ा एकदम, क्या बोलूँ, आपको सामने कैमरा में दिख ही रहा है। سعودي انت فيلبينو انت كرايزي 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 ماشي اسم محمد 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 لوكيشن ایک منٹ بعد میں نے جو رسل پیٹرز ہے اس کے ویڈیو میں دیکھی تھی کہ جو عربز ہوں گے نا وہ کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے نہ نہیں بولیں گے, और ये बात मैं थोड़ा थोड़ा फील कर पाता हूँ। यस हबीबी यस 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 हबीबी यस नाउ राइट राइट हबीबी इंडियन हबीबी यस في اوكيشن اوكيشن موجود كويس معلوم لفت بعدين رايت يا left left yasir yasar yasar ايوه all right يمين يسار يمين ايوه هيك طعمت yes 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 bye 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 okay yes شكرا حبيبي شكرا حبيبي thank you يا شوف اوكيشن اوكيشن तो जैसे मैंने सोचा था कि भाई मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा तो वो सीन तो नहीं हुआ। बाकी जो मेरा होटल है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ,
कौन आशे दादा? हां बालू। बालू आशे? बुकिंग नंबर? बुकिंग नंबर दीपांशु के नाम से होगा, अभी नया बुक किया है। एक बार आप चेक करवा दीजिए। तो भाई ने जो मुझे रूम की चाबी दी है, दैट इज 520 किधर है? आपका स्वागत है मेरे इस रियाद के आशियाने में। एक सिंगल ऑक्यूपेंसी बेड। अरे ये तो फेमस ओयो रूम्स है। सऊदी के अंदर टूर एंड ट्रेवल उतना क्या बोलेंगे उतना डेवलप्ड है नहीं, तो आपको सस्ती अकोमोडेशन ढूंढने में थोड़े पंगे हो सकते हैं। और इस रूम के लिए आई एम पेइंग 125 रियाल, लगभग 2200-2300 रुपए इस होटल रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ। विच इज़ ओके, ठीक है, उतना गंदा भी नहीं है। रूम के अंदर आपको एक ये KMC कंपनी का स्पेशल TV मिलता है, जिसके अंदर आप कुछ भी देख सकते हो। ये मेरे नाना नानी के ज़माने का कुछ मेड इन कोरिया सर्टिफाइड ओरिजिन, छोड़ो ये शायद VCR है क्या है या D2H, नो आइडिया। ट्रेन की जो जर्नी थी वो सच में काफ़ी अच्छी थी। ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई बहुत अच्छे लेवल पे होती है, बार बार साफ़ सफाई वाले घूमते रहते हैं। अगर मान लो किसी ने गलती से कोई कचरा वचरा डाल दिया तो वो वहाँ पे आके पिक कर लेंगे। ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है, लेकिन उस पेंट्री कार के अंदर आज सैंडविच वैंडविच ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे आपको कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाएगी। और एक बात और देखिए, मैंने जो नॉर्मल कोचेज़ की विंडो थी ना, जो खिड़कियाँ थी जिनसे आप बाहर झांक सकते हो, बाहर देख सकते हो, वो थोड़ी सी साफ़ नहीं कर रखी थी, या फिर पता नहीं कोई फिल्टर लगा रखा होगा, येलोइश इफेक्ट आ रहा था। लेकिन जब मैं उस पेंट्री कार में गया या फिर उस रेस्टोरेंट में गया, वहाँ की जो विंडोज़ थी बड़ी साफ़ थी, वहाँ से आप क्लियरली बाहर एकदम ढंग से देख सकते थे। और जब आप जब आप दमाम से रियाद आएंगे तो रास्ते में एक छोटा सा डेजर्ट का स्ट्रेच पड़ता है, आप देखना सऊदी का मैप में, तो वो ट्रेन इस डेजर्ट के स्ट्रेच में से होते हुए आती है और बाहर आप अच्छे अच्छे सैंड ड्यून्स को देख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी रात में ट्रैवल मत करना। इवन अगर आप दुबई से सऊदी आ रहे हो तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रात को ट्रैवल मत करना, क्योंकि आप बहुत सारे जो रास्ते में सैंड ड्यून्स आएंगे उनको मिस करने वाले हो। क्योंकि जब रात को मैं बस से आ रहा था ना, काफ़ी चीज़ें मैंने मिस किए हैं। पूरी चीज़ें तो आप रात को नहीं देख पाते हो, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है कि भाई आप क्या मिस कर रहे हो। मेरा जो नेक्स्ट पड़ाव होने वाला है वो है साउथ। अब साउथ की तरफ मैं कब जाऊंगा इसका मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं एक दो दिन बाद जाऊं, रियाद में कितने दिन रुकूंगा, क्या करूंगा, अभी नो प्लान्स। लेकिन अभी थोड़ी वो रेस्ट करके शाम को मैं निकल जाऊंगा, थोड़ा रियाद को घूमने वूमने, थोड़ा रियाद के साथ फ्रेंडली होने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सऊदी में मैं बहुत सारे स्टीरियोटाइप लेके आ रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी ट्रिप ख़त्म होने से पहले उनमें से 90% स्टीरियोटाइप को मैं ब्रेक करके जाऊँ, ये सच में मेरी उम्मीद है। अब देखते हैं कि सऊदी के मैं कितने स्टीरियोटाइप ब्रेक कर पाता हूँ और कितने स्टीरियोटाइप सच में फैक्ट्स हैं, वो तो अब आगे पता चलेगा धीरे धीरे। तो वंस अगेन गाइज, वेलकम टू सऊदी अरेबिया एंड स्पेशली इन रियाद। और मैं कोशिश करूंगा कि किन्हीं लोकल्स के साथ जाके यहाँ के जो नाइट लाइफ है, अलग टाइप की नाइट लाइफ, आप लोगों को दिखा सकूँ, आप लोगों को एक्सपीरियंस करवा सकूँ। बाकी अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बस यार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।